मेरा चौथा अटेम्प्ट था और मेरी इसमें मेरे माता पिता, मेरे गांव और मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और मेरा ये वैसे फोर्थ अटेम्प्ट था पर मेरा पहला इंटरव्यू और पहला मेंस था। इसमें सिर्फ एक ही सक्सेस का मंत्र है, वो है मेहनत। मेहनत करो, अपनी सफलता मिलेगी। और अपना धैर्य बनाए रखो और माँ बाप का साथ हमेशा रखो अपने साथ। मुझे मेरे पिताजी से प्रेरणा मिली और आगे है मैं बन गई हूँ IPS और आगे वही है मेरा है, देश को ढंग से चलाना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना। बच्चों के लिए मेरा एक ही संदेश है, मेहनत करो, अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर लगे रहो। और उसके साथ साथ माँ बाप के लिए भी संदेश है, बच्चों को वक्त दो और उनका हमेशा साथ दो उनकी मेहनत में। आज मेरी बेटी एक बहुत बड़ा लक्ष्य पा के आई है, तो इस गांव का और आसपास के एरिया का इसने नाम रोशन किया। इस गांव में पहले कोई भी प्रशासनिक कोई अधिकारी नहीं था और आज हमारे गांव में और आसपास में इतनी खुशी है कि सब लोग जो है बताइए दे रहे इनको। 12th क्लास के बाद में ये NPS के अंदर टॉप किया है, उसके बाद में इसका मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली के अंदर एडमिशन कराया गया। वो इसी सोच के साथ कि ये सिविल सर्विस जो परीक्षा है एक दिन में क्लियर करे, और इसने प्रतिभा ने ये मेरा जो सपना था वो साकार किया। और मैं चाहता हूँ कि हर माँ बाप अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दे और जब उसकी डिग्री हो जाए उसके बाद उसको वक्त दिया जाए कि वो कुछ बन सके। ज़्यादातर जो हमारे ग्रामीण परिवार के अंदर ऐसा होता है कि जैसे डिग्री करते हैं उसके बाद वो ये सोचते हैं कि इसकी शादी कर देनी चाहिए, उसको वक्त ही नहीं देते तो बच्चा कामयाब कैसे होगा। ज़्यादातर लोग ये सोचते थे कि ये व्यर्थ का पैसा लगा रहा है, और एक दो ने मेरे को कहा भी कि कौन सी कलेक्टर बन जाएगी, लेकिन मेरे को विश्वास था कि एक ना एक दिन ये ज़रूर मेरा सपना साकार करेगी। और मैं यही चाहता हूँ कि हर माँ बाप उस बच्चे को टाइम दे, उस पर कुछ पैसा लगाए, उसके लिए मेहनत करे तो बेटियाँ ज़्यादा कामयाब हो गई। नहीं कहता हूँ कि मेरी बेटी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, कोई जात पात कोई पक्षपात ना करे और ईमानदारी से अपने ड्यूटी है करे।